सोलन शहर का नाम 1997 में मशरूम सिटी सोलन पड़ा था और मशरूम सिटी सोलन का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सोलन के राष्ट्रीय खून अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश भर से आए मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सोलन शहर का नाम 1997 में मशरूम सिटी सोलन पड़ा था और आज मशरूम सिटी सोलन का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सोलन के राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किए गए। इस मेले में देश भर से आए मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मेले को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई नई तकनीकियों से अवगत करवाना तथा खेती करने में आ रही समस्याओं का मिलजुल कर निवारण करना है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मशरूम का उत्पादन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए देखा था, वह यहां साकार होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थापित करना है, जिसमें वे कामयाब होते दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मशरूम का मेला कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1997 में इस शहर को, सोलन को मशरूम सिटी के नाम से बोला गया था। तभी से हम लोग प्रतिवर्ष किसान मेले का आयोजन करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इस संस्थान में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, बाकी चीज़ें डेवलप होती हैं, उसके माध्यम से किसानों के साथ हम लोग जुड़ें, एंटरप्राइज़ को आगे बढ़ाएं। तो अभी भी यहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन का दौरा किए हैं, तो इस संस्थान ने बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है, जहाँ पे मशरूम की खेती से लेकर के कैसे उसमें मूल्यवर्धन कर सकते हैं, कैसे किसानों को नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हैं, मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है। और किसानों की आय को प्रधानमंत्री जी डबल करने के लिए कहते हैं, हमारे ख्याल से जो किसान इसमें जुड़े हुए हैं, डबल की तो बात मैं नहीं करूँगा, 3-4 गुना बढ़ा रहे हैं। और जिस गति से, जितनी गतिशीलता है मशरूम की उद्यमिता में, हमारे ख्याल से आने वाले दिनों में देश में मशरूम का उत्पादन बढ़ेगा। उसके साथ हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इन अंशधारकों के साथ जुड़ करके छोटे बड़े मझोले आकार के जितने भी उत्पादक हैं मशरूम के यहाँ पे, उनको मिल करके हैंड होल्डिंग करें, हम अपनी तकनीकी हस्तांतरण करें, उनको लाइसेंसिंग उनको दें, सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे जो है खेती की फसलों में जो अपशिष्ट पैदा होते हैं, धान और गेहूं कटने के बाद जो वेस्ट हो जाता है या किसान जलाते हैं, उसका प्रयोग करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमें सफलता भी मिली है, जो हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करती है। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग मशरूम के उत्पादन में बढ़ोतरी हासिल करेंगे। ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।